हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के बीच में आंवले की मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। ये मैंने ले लिया है 1 केजी आंवला बाज़ार से, बिल्कुल फ्रेश, बड़े बड़े साइज का, देखिए। और इसको मैंने काटा चम्मच से ऐसे छेद कर लिया है, इसमें देखिए, इस टाइप से ऐसे करके हाथ बचा के और ऐसे ऐसे इसमें कर लेंगे। सारा मैंने कर लिया है, दिखा दे रही हूँ कैसे होता है। देखिए, एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा एक एक सीक्रेट बताऊंगी इसमें कि घर में आप किस तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाएंगे। ध्यान से देखिए ऐसे होता है, ठीक है? देख लिया आपने, ये सारा मैंने कर रखा है। अब मैं आगे का स्टेप आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको, और बहुत अच्छा बनता है घर में, यकीन करिए। एक बार बनाएंगे ना तब पता चलेगा कि ये आंवले के मुरब्बा कैसे बनता है इजी तरीके से। मेरे चैनल का नाम भी इजी कुकिंग है, मैं हर रेसिपी इजी तरीके से बताती हूँ। और आप लोगों से एक बात कहनी थी मेरे को, मैं यूट्यूब पे नया नया चैनल बनाई हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, तभी तो आगे बढ़ पाऊँगी ना, बगैर आप लोगों के सपोर्ट के मैं नहीं बढ़ सकती। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, एक मैंने बड़ा सा भगोना रख दिया है गैस पे, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, इसमें मैं एक सीक्रेट चीज डालूँगी जो हर कोई नहीं बताता है। देखिए, ये है फिटकरी, ये आपको किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी, देखिए। और इसमें डाल दूँगी, अब मैं डालूँगी आंवला सारा। और ध्यान रखना है, इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा बॉईल करना है, हल्का सा बिल्कुल, ताकि इसमें जो थोड़ा सा कासापन होता है ना वो हट जाएगा फिटकरी की वजह से। फिर आगे का स्टेप बताती हूँ मैं आपको। सारा डाल दिया, अब मैं ढक दूंगी। देखिए, अब मैंने गैस पे दिखाया था आपको, अब ये हो गया है इस टाइप से। ये थोड़ा सा गर्म है, ये मैंने लिया है टोकरी, और इसमें मैं निकाल निकाल के एक एक रख लूँगी ऐसे हाथ बचा के, क्योंकि थोड़ा सा गर्म है ना ये। वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, स्किप करेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि कैसे बताया। ये देखिए, ऐसे निकाल लेंगे, देखिए इस टाइप से हो गया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे हाथ में लेकर के और ऐसे निचोड़ दूंगी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के से ही ऐसे कर कर के निकाल दूंगी इस टाइप से। सारा सारे का कर लूँगी ना, जब सारे एक एक आंवले का, फिर मैं इसको 1 घंटे धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए इसमें कितना आयरन है, मेरा हाथ पूरा कैसा हो गया है, बहुत मुश्किल से छूटेगा। देखिए ये निकल रहा है ना जो झाग सा, इसको पूरा ऐसे दबा दबा के निकाल दीजिएगा, ऐसे कर कर के पूरा कासापन निकल जाएगा इसका। जिनको पसंद नहीं होगा वो भी खाएंगे। देखिए कैसा निकल रहा है इसमें से, देख रहे हैं नीचे थाली में, ये ना कड़वा लगता है आंवले का, इसको निकालना होगा ऐसे कर कर के, सारे कर दीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा, ऐसे मुट्ठी बांध बांध के। ये देखिए, मैंने इसको पानी में से निकाल के निचोड़ के और धूप में रख दिया था छत पे, 1-1.5 घंटे धूप लगने के बाद ये ऐसा हो गया है, पूरी नमी इसकी चली गई है, कितना सूखा सूखा सा हो गया है। अब मैं इसको बनाने के लिए निकाल रखा है, ये 1 कप का मेजरमेंट बनाया है मैंने, ये 3 कप मैंने चीनी लिया है, 2 कप इसमें डाल रखा है और 1 कप ये है। और कप से मेजरमेंट इसलिए बनाया ताकि पानी उसके हिसाब से मैं डाल सकूं। इधर देखिए, ये है, ये रख दिया एक बड़ा भगोना, इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी, 3 कप चीनी लिया है ना, तो 3 कप ही पानी डालूंगी। पूरा भर भर के चीनी लिया था मैंने, ये 3 कप पानी हो गया। ये वजन के हिसाब से बताऊं तो ये 750 ग्राम चीनी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी
पानी में। और इसको थोड़ा सा गलने के लिए थोड़ा सा एक मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उबलने नहीं देना है। देखिए ऐसा, बस थोड़ा सा चीनी गर्म होना चाहिए, अभी गला नहीं है। अब इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी इसमें आंवला, सूखा हुआ आंवला। सारा आंवला इसमें डाल दूंगी और इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बिल्कुल चलाऊंगी भी नहीं, 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी धीरे धीरे। हाँ, आँच का ध्यान रखिएगा, इसको मीडियम पे रखना है। ये आँच को मीडियम कर दूंगी मैं और 10 मिनट बाद में इसको खोलूंगी। ऐसे तो बनता ये कम से कम 40 मिनट लग जाएगा पकने, बढ़िया से तैयार होने में। अभी 10 मिनट बाद में इसको देखूंगी। ये देखिए 10 मिनट हो गया, अब मैं इसको उतार के देख रही हूँ, ढक्कन उतार के कैसा हो रहा है इसमें। देखिए ये देखिए उबल रहा है, कलर चेंज हो गया ना इसका, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जब मैं ढक्कन लगाई थी ना तो मैं भूल गई थी डालना, इसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा वो फूड कलर डाला है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, और इलायची कूट के। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। अभी जब ये परफेक्ट एकदम तैयार हो जाएगा ना, तब देखिएगा कितना अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गया है, कितना बढ़िया बना है, लाजवाब और टेस्टी, बहुत अच्छा। जाते जाते मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।